कुछ नहीं सोचते हैं। सोचते हैं कि माल मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए ताकि जल्दी भर सके। अगर उधर ऊपर वाला गिर गया, समझो दब गया तो गया। मैं रेती बंदर में काम करता हूँ। मैं पानी में डुबकी मारता हूँ, फिर निकल लगता है 250-300 बाल्टी लगते हैं। उसके बाद मैं ऊपर आता हूँ, ऊपर आके तो आराम कर लेता हूँ। पूरा अंधेरा रहता है अंदर, अंधेरा पैर से अंदाज करना पड़ता है कि तभी पैर फंसा के बाल्टी दबाना पड़ता है। दबा के फिर निकालते हैं, ये है 4-5 सेकंड रुकते हैं फिर जाते हैं। और ये काम है, समझ लो हम लोग 15 साल से कर रहे हैं। हम लोग उधर के रहने वाले हैं, टोपी है, टोपी में रहते हैं। इधर आते हैं, 2-4 महीने काम करते हैं, फिर चले जाते हैं अपने बाल बच्चे के अंदर। ये काम नहीं करने देंगे हम लोग, नहीं। ये काम में बहुत खतरा है, इसकी वजह से काम में हम लोगों को नहीं लाएगा। अरे कानाला त्रास होता, साथी तो रगत येतं। 9 वर्षापूर्वी माझा एकूण 16,000 रुपये गेला आहे कानाबद्दलच पूर्ण एकदमच। तिथून काम करता करता माझ्या डोक्यात दुखायला लागले होते, तिच्यामध्ये नाका तोंडावाटे रक्त यायला लागले, साथीत दुखायला लागले। तिच्यामधून एक होडक्यातून पाण्यातून निघाल्यानंतर थोडासा 15 मिनटं होडक्यात बसल्या, उन्हात बसल्यानंतर चक्कर येते। माझा बेटा काम करतानाच गेला, म्हणजे मी पहिला जायचं त्याच्यावर, मग तो माझा बघून बघून तो यायला लागला कामाला। बाल्टी काय त्याची लागली का काय झालं त्या आम्हाला काही माहितीच नाही। दुसऱ्या दिवशी आला रात्री वरती, तर मग ते इथून येता येता आम्हाला म्हणजे हाँ। फिर पिछले साल मैं 2 डूबते हुए देखा, वो तो तीसरे दिन मिला। तीसरे दिन मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं शादी हुआ, मैं 2 बच्चे हैं। क्या बात करता हूँ और परेशान कर देते हैं। मेरी माँ लोग भी पूछते हैं कभी आएगा, बोलते हैं आऊँगा, मैं थोड़ा काम है, जब तक बारिश नहीं गिरने तक रहूँगा बोल रहे हैं, बारिश गिरने के बाद जाऊँगा बोल रहे हैं।